नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। आज हिंदुस्तान के लोकसभा इलेक्शन अब अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है और इस वक्त पूरी दुनिया की निगाह 4 जून को होने वाले काउंटिंग पर टिकी हुई है। आसनसोल के ADDA कॉन्फ्रेंस हॉल में आज इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग तलब की और तमाम सियासी पार्टियों को यह हिदायत दी कि काउंटिंग में आपको किस तरह से रहना है। इलेक्शन कमीशन ने जो नई गाइडलाइन जारी की है, इस नई गाइडलाइन के मुताबिक सरकारी टीचर काउंटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। इस मौके पर कमीशन ने यह भी बताया है कि सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी, उसके बाद EVM की काउंटिंग होगी और काउंटिंग सुबह 5:30 बजे शुरू कर दी जाएगी। तमाम सियासी पार्टियों के एजेंट को हिदायत दी गई है कि आप वक्त पर पहुंच जाएं। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि तकरीबन 2 से 2:30 बजे तक इलेक्शन की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और ये अंदाज़ा हो जाएगा कौन लोग जीत रहे हैं। 12 से 14 राउंड तक काउंटिंग होगी। আমাদের স্ট্রং রুম ওপেনিং 5:30টার সময় ট্রেজারিতে আমাদের পোস্টাল ব্যালট গুলো খোলা হবে, ট্রেজারি খোলা হবে, ওটা নিয়ে আমরা কাউন্টিং হলে চলে যাব ওখানে 5:30টা। সো 5:30টার পরে আমরা ছোটা থেকে আমাদের স্ট্রং খুলতে শুরু করব। ক্যান বি আপনারা মতলব আমাদের অবজারভার 5 জন হলেও ছোটা খুলতেই হবে, আমরা ম্যাক্সিমাম বের করবো 10 মিনিট ম্যাক্সিমাম।